तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं धरन, टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑन सपोर्ट्स पे। तो क्योंकि हमारी जो धरने हैं या बीम्स हैं वो सपोर्ट पर टिकी हुई हैं और उन पर लोड लग रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स पैदा करेंगे ही, जैसे न्यूटन का हमारा नियम है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं इसमें शुद्ध लंबवत धरन के बारे में। शुद्धलम्ब धरण पर प्रतिक्रिया बल पर सपोर्ट की या टेक की प्रतिक्रिया। तो जैसा हमें पता है सिंपली सपोर्ट बीम में हमारा दो सपोर्ट होते हैं और उसके बीच में एक छड़ होती है हमारी, माना छड़ की लंबाई हमारी एल है। और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्लू भार का, एक पॉइंट लोड लगा है डब्लू भार का, जिसका हमारा जो लगा बिंदु सी पे है। छड़ हमारी ए बी, और जो पॉइंट लोड लगा हमारा बिंदु सी पे है उसकी बिंदु ए से दूरी है ए। तो रिएक्शन फोर्स निकालने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, जो हमने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है कि छड़ पर रिएक्शन फोर्स निकालते समय दो चीज़ों को हम दो चीज़ें करते हैं। पहले जब हमारी छड़ संतुलन की स्थिति में होती है, तो छड़ बलों का संतुलन और आघूर्णों का संतुलन के नियम को फॉलो करती है। तो इसी नियमों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो बलों का संतुलन का मतलब है यानी कि छड़ पर लगने वाले जितने भी बल हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ऐसे आघूर्णों का संतुलन का मतलब है छड़ पर जितने भी बल लगे हुए हैं उनका किसी एक निश्चित बिंदु के परितो समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तो ये दो केस हैं, इसी के अनुसार हम अपना प्रतिक्रिया बल निकालेंगे किसी भी छड़ पर। तो शुद्धालंबित धरण है, तो सबसे पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है, ऐसा आरेख होता है, मुक्त पिंड आरेख ऐसा आरेख होता है, जिसमें हम दिए गए पिंड पर दिए गए ज्ञात और अज्ञात दोनों बलों को हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पिंड पर लगने वाले ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के बलों को हम प्रदर्शित करते हैं चित्र के द्वारा, वही हमारा मुक्त पिंड आरेख कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा दो सपोर्ट हैं तो इन पर रिएक्शन पैदा होंगी, तो ये दिख नहीं रही हमें, साफ सी बात है, तो ये हमारे अननोन फोर्सेस हो गई, तो इनको दिखा दिया। और डब्ल्यू जो है हमारा नोन फोर्स हो गया, ज्ञात फोर्स हो गया। तो ये माना इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी है। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारी छड़ जो है संतुलन की स्थिति में, तो बलों का संतुलन का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ देखना स्टार्ट करते हैं, और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर के लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे के लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि बीजगणितीय योग की बात की थी। तो अब इसको कंडीशन एक से करते हैं। कंडीशन फर्स्ट, बलों का संतुलन सिग्मा इक्वल टू 0, तो आर ए पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू प्लस आर बी इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, ये इधर आ गया। तो ये हमारी कंडीशन पहली हो गई। ऐसे दूसरी कंडीशन आघूर्णों का संतुलन, तो आघूर्णों का संतुलन, तो यहाँ पर हमारे दो अननोन फोर्सेस हैं आर ए और आर बी, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों अननोन आ गए, तो इससे तो सॉल्व हुआ नहीं, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पर तो आघूर्ण ले लेते हैं, तो एक पर तो आघूर्ण ले रहे तो आर ए बिंदु ए से, बिंदु ए की आर ए से दूरी कितनी होगी 0। तो एक चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पर, क्लॉक वाइज आघूर्ण को हम क्या ले रहे हैं माइनस, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव। तो करते हैं आर ए इंटू 0, बिंदु ए पर आघूर्ण ले रहे हैं सिग्मा एम एट ए, लास्ट में इसको 0 करना है, आर ए इंटू 0 डब्ल्यू इंटू, क्योंकि क्लॉक वाइज घुमा रहा है तो माइनस डब्ल्यू इंटू ए, आर बी कहाँ को घुमा रहा है एंटी क्लॉक वाइज, तो पॉजिटिव प्लस आर बी इंटू
आर बी इंटू टोटल लंबाई एल एस की एल, तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि कंडीशन हमारी संतुलन में है। तो यहाँ पर हो गया आर इंटू जीरो जीरो हो गया माइनस डब्ल्यू ए प्लस आर बी एल इक्वल टू जीरो, तो आर बी इक्वल टू हो गया हमारे यहाँ पर डब्ल्यू ए अपॉन एल, तो ये निकल गया कंडीशन नंबर दो। तो आर बी की वैल्यू हम इक्वेशन एक पर रखते हैं, तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल, या डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल, तो डब्ल्यू एल माइनस ए अपॉन एल यही होगा डब्ल्यू बी अपॉन एल, ये हमारी यदि दूरी बी है। तो इस तरह आर ए और आर बी हमारा निकल गया, आर ए निकला हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एल, आर बी निकला हमारा डब्ल्यू ए अपॉन एल। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और पॉइंट लोड, तो ये आज हमारा जो रिएक्शन फोर्स निकली है सिंपली सपोर्टेड बीम और पॉइंट लोड पर हमारी रिएक्शन फोर्स। टॉपिक हमारा कैंटिलीवर धरण पर प्रतिक्रिया बल निकालना। तो जैसा हमें पता है कैंटिलीवर धरण हमारी होती है जिसका एक साइड फिक्स होता है और दूसरा साइड फ्री होता है, तो ये हमारी कैंटिलीवर बीम है और इस पर एक लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, माना इसकी लंबाई यहाँ ए है और माना छड़ की लंबाई हमारी एल थी, ये पॉइंट सी पे लोड लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट लोड जो बिंदु सी पे लगा हुआ है, दूरी इसकी ए हो गई। तो जैसा हमें पता था कि जब छड़ संतुलन में हो तो वो दो नियमों को फॉलो करती है, पहला बलों का संतुलन और दूसरा करती है आघूर्णों का संतुलन। तो यानी कि सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की लगने वाले फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक कितने जगह पर टेक है, इसकी कितने जगह सपोर्ट है, केवल एक जगह पर, और ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो डब्ल्यू ये दूरी होगी ए, ये हो गया नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहे, सबसे बात है इसका पॉजिटिव होगा तभी जाके बैलेंस होगा। तो बलों के संतुलन के नियम से करते हैं, तो आर ए पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू क्योंकि नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव इक्वल टू जीरो, और तो कोई बल है नहीं, तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू, तो कोई और फोर्स इसमें है नहीं, तो कैंटिलीवर धरण पर हमारी रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरह निकल जाएगी।